अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की मेरी मज़ेदार सी मीठी सी रेसिपी है बर्फी। हम किस तरह घर में बहुत ही शानदार और बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो जो नए आने वाले हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी कि ये बर्फी मैंने कैसे तैयार की। बिल्कुल बाजार के जैसी बर्फी बनाने के लिए दूध मैंने ले लिया 1.5 लीटर, जिसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। तो जैसे ही इसमें बॉईल आता है तो मैं दिखाती हूँ कि हमने ये बर्फी कैसे बनानी है। बहुत ही आसान और बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाने वाली ये बिल्कुल बाजार के जैसी बर्फी हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो बॉईल आता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है तो फ्लेम को अभी फिलहाल मैंने थोड़ा सा लो कर दिया है, क्योंकि मैंने इसमें ड्राई मिल्क यूज करना है। मैं 1.5 लीटर में ड्राई मिल्क डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून भर के तकरीबन 1/4 कटोरी बन जाता है। तो ये डाल के हम जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेते हैं ताकि गुठलियाँ ना बने, तो इसलिए मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया है। उसके बाद मैं फ्लेम को नॉर्मल टेम्परेचर उस पर लेके आऊँगी। तो अभी खाली हमने दूध मिक्स करना है। तो देखिए गुठलियाँ हमारी बिल्कुल भी नहीं बन पाई। तो फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई कर देती हूँ, यानी दम से ऊपर वाली आंच पे। तो लो फ्लेम पे हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है, यानी इतना भी पास हमने खड़ा नहीं रहना कि हम जितनी देर में ये के ठीक नहीं हो जाती और हमने मुसलसल चम्मच चलाता रहना है। बस इतना हल्का हल्का बॉयल आने लगे तो हम तब तक इसमें चम्मच चलाएंगे और बाद में हम गाहे बगाहे चम्मच चलाते रहेंगे। पैन को हमने साथ साथ स्पेशल से ज़रूर इस तरह साफ करना है, क्योंकि साइडों पे जो लग जाता है तो वो वेस्ट हो जाता है। तो हमने अपना दूध या ड्राई मिल्क जो भी हमने इसमें यूज़ करना है तो इसको वेस्ट नहीं होने देना, तो इसलिए हमने साइडें साथ साथ साफ करके इसके अंदर डालते जाना है। तो फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई कर दिया, तो मैं दिखाती हूँ आपको। लो फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन अभी 5 मिनट ही इसको हुए हैं दूध को, तो हमने इसको फुल ड्राई की तरफ लेके आना है। तो इसी स्टेज पे मैं तकरीबन 2 पिंच इलायची पाउडर ये डाल देती हूँ और इसको मजीद पकने के लिए छोड़ देती हूँ जब तक के ये थिकनेस की तरफ नहीं आ जाता। दूध को उबलते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो इसी स्टेज पे 1.5 टेबल स्पून मैंने मैदा इस तरह पानी में पेस्ट इसका बना लिया है, ठीक सा लिक्विड बना लिया है। तकरीबन 1/2 कप पानी में मैंने इस तरह लम्स फ्री बना लिया है, इसमें कोई गुठली ना रहने पाए। तो इस स्टेज पे हम थोड़ा थोड़ा इसको डाल के मुसलसल साथ साथ चम्मच चलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बन पाए। तो बस हमने आखिरी जो ऐड करना था वो यही ऐड करना था, मैदा ऐड करना था, जिससे ये फौरन थिकनेस की तरफ जाएगा और एक बेहतरीन सी बर्फी हमारे पास बन के तैयार होगी एंड पे। तो इसको हम मुसलसल अब फिर से चलाएंगे जब तक ये बबल नहीं आने पाते। बबल आते ही फिर हम इसको कुछ टाइम के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे और साथ साथ गाहे बगाहे हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। मैदा डाल के पकाते हुए इसको अभी 2 मिनट ही हुए हैं, इसलिए हमें पकाना होता है कि गुठलियाँ ना इसमें बन पाए। तो इसलिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने इसको पकाया है। तो इसी स्टेज पे तकरीबन 1/2 कप से 2 चम्मच कम ये चीनी मैंने ले ली है, तो इसमें ये डाल देती हूँ। चीनी भी अपना बढ़नी छोड़ेगी तो थोड़ा सा फिर से ये थिन हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा। तो बस हमने चीनी मिक्स करनी है और फिर से इसको पकने के लिए छोड़ देना है। बर्फी बनाने के लिए खोए को पकते हुए, यानी दूध को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं। मैंने इसमें मुसलसल चम्मच चलाया है ताकि साइडों पे ज़्यादा हमारा जम ना पाए ये खोया, तो क्योंकि ठीक हो जाता है। तो तकरीबन ये तैयारी की तरफ है, बस थोड़ा सा और हमें डो की फॉर्म में लेके आना है, एक सॉफ्ट सी डो। तो उसकी तरफ बस मज़ीद और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे एक तो ये नीचे भी लगेगा, दूसरी साइडें इसकी ज़्यादा जलेंगी। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम से भी कम, यानी दम वाली फ्लेम पे मैं इसको डो फॉर्म की तरफ ले आती हूँ। बस मज़ीद तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो देखें ये अब
पैंदा छोड़ना भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया, मुकम्मल ये पैंदा छोड़ना हो जाएगा इसका, तो मैं इसको मोल्ड में ट्रांसफर करूंगी। तो दिखाती हूँ थोड़ा सा और ठीक करने के बाद आपको। बर्फी हमारी तकरीबन देखें तैयार हो गई है, दो फॉर्म में आ गई और इसने पैंदा अपना छोड़ दिया है, तो हमें ऐसी ही चाहिए थी। मजीद ये ठंडा होने के बाद इंशाल्लाह बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, बाजार के जैसी होती है। तो इसी स्टेज पे फ्लेम को कर देती हूँ मैं ऑफ जल्दी जल्दी से। और इस तरह का मैंने एक ये केक पैन लिया है, इसको मैंने ग्रीसिंग कर ली है, तो इसके अंदर मैं इसको डाल के तो इसको सेट करूंगी। आप अपने मुताबिक कोई सा भी पैन यूज कर सकते हैं, कोई प्लेट स्केयर में जो हो वो यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें ट्रांसफर करती हूँ, तो दिखाती हूँ। बर्फी को मोल्ड में मैंने ट्रांसफर कर दिया है, तो इसको सेट होने के लिए यानी थोड़ा रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाएगा तो सेट होने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूंगी, तो इसके बाद करूंगी इसको डीमोल्ड। इस मोल्ड में मैंने बर्फी को जमाया था। सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे से ये हो गई कि मैंने इसके नीचे बटर पेपर नहीं लगाया, तो जिसके लिए मैं माजर चाहती हूँ, जहन से निकल गई ये बात। तो आप लाजमी इसमें बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा, नीचे वाली तह में साइडों की खैर होती है, साइडें तो उखड़ाती है, नीचे आपको पता है कि दूध में फैट होते हैं जिसकी वजह से चिकनाई आ जाती है और वो जम जाती है। फिर इसका जुगाड़ मैंने क्या लगाया कि इसको थोड़ा सा मैंने हीट दिया, नीचे की तरफ से इसको मैंने हीट दिया तो वो आसानी से निकल आई। मगर आप ये गलती मत कीजिएगा, आप बटर पेपर लाजमी लगाइएगा। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आप अपने तरीके से टुकड़ी शेप में भी कर सकते हैं और स्केयर शेप में भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा स्केयर शेप में ही करूँगी। इसको इस तरह करते हुए हम निशान लगा लेते हैं और आसानी से हम इसको स्केयर शेप दे देते हैं। तो पहले आप बड़े निशान लगा लें, तो इसके बाद हम इसको स्केयर की शेप में दे देते हैं। बर्फी को मैंने कुछ इस तरह से टुकड़ियों में काट लिया है, आप कोई सी भी इसको शेप दे सकते हैं। मैंने इस तरह स्केयर से शेप दी है, आपकी मर्जी, आप इसके ऊपर बादाम और पिस्ता भी गार्निश कर सकते हैं और चांदी का जो वर्क होता है वो भी कर सकते हैं। मैंने बेसिक आपको बताना था कि बर्फी कैसे तैयार होती है, तो बर्फी ऐसे ही तैयार होती है, बहुत ही मज़ेदार और नरम मुंह में घुल जाने वाली बर्फी मैंने बहुत ही आसानी से तैयार कर ली। तो उम्मीद है आज के मेरा टिप एंड ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।